Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इम्तियाज़ लगारी अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। दोस्तों, अव्हांखे ख़बर आहे त असीं अव्हां ताईं उहे लाभायता प्रोग्राम ऐं उहे लाभायता टॉपिक्स खणी ईंदा आहियूं जेके अव्हां लाइ तमामु घणो काराइतो साबित थींदा आहिनि। अॼु बि साॻी रीति हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्तु ऐं ॾाढो इम्पोर्टेंट टॉपिक जेको CSS ते मबनी आहे, CSS ॿधलु आहे। CS छोकिरा कनि था ऐं उन्हनि खे पाथवे कोन थो मिले, उन्हनि खे ख़बर कान थी पए त असांखे कहिड़े तरीक़े सां CSS जी तयारी करणु घुरिजे, CSS एक्चुअली हुजे छा थो ऐं उन जूं अकेडमीज़ कहिड़ियूं आहिनि, उन्हनि खे कहिड़ा बुक रेफर करणु घुरिजनि या कहिड़ा कोर्सिस पढ़णु घुरिजनि। सो इन साॻी ऐं समूरे टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु इन टॉपिक ते ॻाल्हाइण लाइ अॼु ख़ासि महिमान जेके मूं वटि मौजूदु आहिनि, असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि, उन्हनि में सभ खां पहिरियां मैडम सदफ़, जेके पाण सदफ़ शेख हैदराबाद सां तालुक़ु आहे, उन्हनि जो 2011 में उन्हनि CSS क्लियर कई आहे ऐं उनखां पोइ हिन महिल CSS मैंटोर जे तौरु बि कमु कनि पियूं। ऐं उन्हनि खां पोइ हिकिड़ो ॿियो महिमान जेको ऐं ज़बरदस्त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि ॿुधाईंदो अलाए, ॾाढी सस्पेंस जी ॻाल्हि आहे त हीअ पाण जेके ॿई महिमान असां वटि मौजूदु आहिनि, पाण में भाउर ऐं भेनर जो रिश्तो आहे ऐं भाउ भेण जॾहिं हिकु ई घर मां ॿ माण्हू CSS क्लियर करे वञनि त मां सम्झा थो ॾाढी मोटिवेशन जी ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि हूंदी आहे। हिकु ई घर में ॿ ॼणा हुजनि, भाउ भेण हुजनि ऐं उहे CSS क्लियर कनि। सो ऐं ॿिए महिमान ॾांहुं वधंदुसि। ॿियो महिमान उन्हनि जो नालो आहे तारिक महमूद शेख ऐं उन्हनि बि माशाल्लाह 2020 में CSS क्लियर कई आहे। अॼु उन्हनि खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं ऐं उहे समूरा सवाल जेके अव्हां जे ज़हननि में हुजनि था, जेके अव्हां जे दिलि में हुजनि था, उन्हनि खे कवर अप करण जी कोशिशि कंदासीं। जी मैम सदफ़, मैं आपको बहुत वेलकम करता हूँ तहे दिलि से कि आपने एक प्रीशियस टाइम निकाला और यहाँ पे आए आप। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तारिक साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूँ कि आपने भी एक टाइम निकाला है। मुझे पता है कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपके आने से यूथ को मोटिवेशन भी मिलेगी और आज उनके बहुत सारे सवालात भी क्लियर होंगे। मैम, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि CSS है क्या? देखें, CSS आपका एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट कंपेटिटिव एग्ज़ाम CSS ही है। इसमें आपके पास 12 एग्ज़ाम्स होते हैं, 12 पेपर्स होते हैं, राइट, और वो पास करके आपकी एलोकेशन होती है या रिक्रूटमेंट होती है इन 12 सर्विसेज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, right. तो ये आपका एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी टफ कंसिडर किया जाता है और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि इसमें जो आपके 12 पेपर्स हैं वो आपको वन गो में पास करने होते हैं। एंड अगर हम रफली देखें तो इसके लाइक 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास रिटन एग्ज़ाम होता है, वो अगर क्लियर कर लें तो फिर मेडिकल एग्ज़ाम एक होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम होता है, इन द एंड इंटरव्यू होता है, और उसकी बेसिस पे जो सर्विसेज होती हैं उसमें रिक्रूटमेंट होती है। अच्छा, इन्होंने तो CSS को क्लियर किया, इन्होंने बात की कि 12 पेपर्स होते हैं जो कि वन टाइम में आपने पास करने होते हैं। सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करना भी एक मुश्किल बात होती है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली CSS क्लियर किया है, तो CSS के सब्जेक्ट को किस तरीके से सिलेक्ट आउट किया जा सकता है? इस बारे में मैं ये बोलूँगा कि कुछ चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। एक तो आप देखें कि आपका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और अगर उस बैकग्राउंड से मिलता जुलता अगर कोई आपको सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप उसको ऑप्ट करें। जैसे अगर कोई IR में किसी का बैचलर्स है या मास्टर्स है तो वो IR ऑप्ट कर सकता है, राइट। अकाउंटिंग में किसी का बैकग्राउंड है तो वो अकाउंटिंग ऑप्ट कर सकता है। तो पहली तो मैं जो पर्सनल मेरा व्यू है वो ये है कि आपने अपना बैकग्राउंड, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ होता है, आपकी एक बेस मनी भी होती है, तो आपको आसानी होती है। दूसरा आपने ये देखना होता है कि इंटरेस्ट कहाँ पे है, कौन सा सब्जेक्ट, बिल्कुल, कि आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। अक्सर लोग ये देखते हैं कि जी स्कोरिंग ट्रेंड क्या है क्या नहीं है, और वो सब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, फिर उनका बड़ा मसला होता है। तो आपने इंटरेस्ट भी अपना, तो मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें, एक आपकी बैकग्राउंड और एक आपका इंटरेस्ट,
ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि गैदरिंग सर्कल में एक दूसरे से सजेशंस ले रहे होते हैं कि यार मैंने ये सब्जेक्ट उठाया था, बहुत आसान सब्जेक्ट था, तो आप भी उठा लो, तो क्या इस चीज़ पे अमल करना चाहिए या अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज़ देखनी चाहिए या उसके बारे में बहुत ज़्यादा होमवर्क करना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में हर इंसान जो है वो यूनिक होता है और हर उसकी इंटरेस्ट अलग होते हैं, तो अगर एक शख्स को कोई सब्जेक्ट ईजी लगता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी वो ईजी लगेगा। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि जो आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आप दिल से काम करते हो, आपको मज़ा आता है। तो मैं ये कहूँगा कि दूसरों के देखा देखी ना चलें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, एक्सप्लोर करें और फिर देखें कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर। सही मैम सदफ, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पास की कंपेरिजन में इस वक्त सीएसएस का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्होंने पास आउट कर लिया, वो पास हो गए, उनको अच्छी जॉब्स भी हैं, इंजीनियर एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, फिर भी वो सीएसएस को परसू करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? देखें, इसकी दो तीन मेन रीजंस हैं। सबसे पहले एक तो अगर हम देखते हैं प्राइवेट जॉब से अगर कंपैरिजन करें ना, तो सीएसएस में आपको जो जॉब्स मिल रहे हैं उसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर करियर ग्रोथ है, आपको पता होता है कि आपने इस लेवल तक पहुंच जाना है, ठीक है। जबकि अगर मेडिसिन की फील्ड देखें या एजुकेशन की फील्ड देखें, इंजीनियरिंग की फील्ड देखें, तो उसमें इतनी करियर डेवलपमेंट इतनी स्टीप नहीं है, लाइक एक लेवल पे आके आप रुक जाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। सेकेंडली, प्राइवेट जॉब से अगर कंपेयर करें तो सीएसएस में जो चीज़ ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है वो ये है कि दिस इज़ पब्लिक सर्विस, ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर वन पर्सन, तो आप उसकी कंपनी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पब्लिक सर्विस में आते हैं आप, तो आप किस भी लेवल पे होते हैं, जिस भी लेवल पे होते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है यूथ के लिए। और फिर आपका स्कोप बहुत बड़ा होता है, लाइक आपके जो अंडर ज्यूरिसडिक्शन एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल, और एक रेस्पेक्ट फैक्टर भी आ जाता है, प्रेस्टीज का फैक्टर बहुत, और आप एक सोसाइटी का रोल मॉडल सामने आते हैं, सीएसएस एक बड़ा एग्जाम है, उसके बाद में एक रेस्पेक्ट का फैक्टर जो होता है वो बिल्डअप हो जाता है जी। अच्छा तारिक साहब, आप क्या देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बैचलर करने के बाद बहुत पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ होता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि यार हमने बैचलर करने के बाद भी सीएसएस करना है, और सीएसएस के लिए मैं समझता हूँ 4 से 5 साल लगाने पड़ते हैं और ये अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स पे ओरिएंटेड है। तो आप क्या कहते हैं कि एक स्टूडेंट कैसे ये रिस्क ले सकता है, और वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने अंदर ऐसे कौन से गट्स को मालूम करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बाद में फैसला लेना चाहिए कि सीएस में जाना चाहिए मुझे या नहीं। इसमें मैं यही बोलूंगा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सीएसएस की, वो आपको होनी चाहिए। जैसे आपको लिखना आना चाहिए, आपको आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो इसमें मेरी यही उसमें होगी कि और आपको बहुत रियलिस्टिक भी होना चाहिए सीएस में। जैसे आपने बोला कि चांसेस बहुत कम होते हैं, और आप देखते हैं कि जी हर साल जो है वो 2 या 3% लोग पास होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये एक रिस्क फैक्टर तो है इसमें, रिस्क फैक्टर बिल्कुल। तो ये आपको एक रियलिस्टिक होना चाहिए, और इस अगर हम परसेंटेज का हिसाब लगाएं तो एक बच्चा जब पास होता है तो उसके मुकाबले में 47 या 48 बच्चे फेल होते हैं। तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए और इन चीज़ों को देख के आपको इस तरफ आना चाहिए। तो ये एक रिस्क फैक्टर तो इसमें है, और आपको मैं ये बोलूंगा कि बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है तो बिल्कुल आप इसको परसू करें। अगर आपको पब्लिक सर्विस का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत पैशन है, फिर तो मैं यही सजेशन होगी कि आप उसको परसू करें। लेकिन साथ साथ आपने रियलिस्टिक अप्रोच भी रखनी है, बिल्कुल सही, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ भी जो है ना उसी तरीके से बिल्ड करनी है। आपने अपनी रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करनी है, और अपने आपने राइटिंग हैबिट्स बिल्ड करनी है। ये बेसिक्स हैं, और ये अगर आपके पास हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कितने परसेंट लोग पास होते हैं, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि 200-300 बच्चा पास भी होता है। तो ओके ओके जी, नाज़रीन वक्त छो आहे हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक जो, सो वञो न केॾे रह जो, असां सां गॾु मिलूं था हिन नंढे ब्रेक खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन, हिकड़ी नंढी साई खां पोइ अवां जी ख़िदमत में वरी हाज़िर आहियां। अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे CSS ऐं CSS जा जेके बेसिक क्वेश्चन्स आहिनि अवां जे ज़हन में, अवां जे दिलि में, सो उन्हनि खे क्लियर कंदासीं। असां वटि ख़ासि महिमान मौजूदु आहिनि। मैडम, मैं आपकी तरफ़ बढ़ूंगा, इनसे सवाल किया था मैंने तारिक साहब से कि ग़रीब बंदे हैं, 4 साल वो सफ़र करते हैं, तो क्या उन्हीं गरीब बंदों को 4 साल सफ़र करना CSS कंप्लीट करने के लिए लाजमी होता है, या 2 साल में या 1 साल में भी कंप्लीट कर लेते हैं? देखिए, ये एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। लोग समझते हैं कि अगर आपने CSS करना है तो आपने 6 साल लगाने हैं, 4 साल लगाने हैं। ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि CSS के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपने डिसाइड किया है कि आपने CSS के लिए जाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं CSS के लिए वो वही हैं जो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, सही, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में अगर आपने सिर्फ CSS की प्रिपरेशन करनी है और कोई काम नहीं करना, आप कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और जॉब नहीं कर रहे हैं, आई थिंक 10 to 12 months में आप तैयारी कर सकते हैं। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब ये मैं समझता हूँ मिथ है कि यार 3-4 साल हमने सफ़र करना है। ज़रूरी नहीं है। लाइक हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन ऑफिसर्स ने लाइक 6 months, 8 months तैयारी करके और क्वालिफाई किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। सही। तो एवरेज क्या देखती हैं आप, एवरेज कितना है, कितने साल स्टूडेंट को लगते हैं? देखें, हमारे पास एक्चुअली जो अटेम्प्ट हैं वो CSS की 3 अटेम्प्ट हैं, ठीक है। 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। तो अगर तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, अगर उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, 6 महीने की है, 8 महीने की है, 10 महीने की है, तो वो इनफ है। अगर तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर सके तो आप दोबारा उसको स्टडी करते हैं, लेकिन अब आपकी एक बेस बन गई है। आपको पता है, आपको एग्जाम गो थ्रू करना बहुत आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट टाइम के। अब आपने सिर्फ अपनी स्टडीज को रिफाइन करना है, उसको इम्प्रूव करना है, राइट, ठीक है। तो उसके लिए दोबारा से 10 महीने नहीं चाहिए, आई थिंक उसके लिए दोबारा से आपको 3 months चाहिए, 4 months चाहिए। सही। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। ये भी डिपेंड, आपकी बात काटता हूँ, सॉरी, ये भी हो सकता है फर्स्ट ईयर में किसी स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी नहीं की हो, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैड लक होता है, वो बेचारे मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, दिन रात लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो नसीब का भी काम होता है। और ये भी होता है कि उन्होंने प्रिपरेशन सही नहीं भी की हो, ज्यादा मेरे ख्याल में प्रिपरेशन का इशू होता है। सही। अच्छा तारिक साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि CSS प्रिपरेशन के लिए उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता, स्टूडेंट के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि यार प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट हमने कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से एकेडमी में जाना चाहिए, कौन से मेंटोर को सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आपने सबसे पहले जो है ना अपनी बेसिक्स को इवेल्यूएट करना है, ठीक है, कि जैसे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है CSS की कि आपको लिखना आना चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने वो देखना है कि आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड नहीं है तो किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है? राइटिंग स्किल्स अगर इम्प्रूव नहीं है तो एक पूरा जैसे कोर्स होता है हमारा इंग्लिश कंपोजिशन का, तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें जनरली अवेलेबल होती हैं, रेंडम मार्टिन होती है, एक और किताब होती है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, तो आपने जो है ना उनसे स्टार्ट लेना है। आपने अपनी ग्रामर को जो है ना गुड करना है, क्योंकि ग्रामर अच्छी होना एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट की जाती है कि एक CSS ऑफिसर अच्छी ग्रामर लिखेगा। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि स्टार्ट आपने लिखना है अपनी ग्रामर से, अपनी राइटिंग एक्सप्रेशन से, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ। बुक्स कौन सी रेफर करनी चाहिए, कौन सी एकेडमी रेफर करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, एकेडमीज में जाना चाहिए, किसी अच्छे मेंटोर को देखना चाहिए? और ये भी सवाल मैं आपसे कनेक्ट करूंगा कि इंटीरियर सीन से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो लोग लाहौर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार CSS करना है तो लाहौर जाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ये क्या मिथ है या रियलिटी है कि लाहौर जाना ज़रूरी होता है? देखें, इन दी एंड जो होता है ना, वो आपकी अपनी मेहनत होती है। एकेडमीज जो है वो हेल्प करती हैं, लेकिन एकेडमीज जो है वो एक सिर्फ आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स देती हैं कि आपने ये पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है, इस तरीके से स्टडी करनी है, लेकिन इन दी एंड आपने स्टडी खुद करनी होती है। लाहौर में जो है वो हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन पास चंद लोग होते हैं जो कि मेहनत कर रहे होते हैं। और हमने देखा है कि इंटीरियर सिंध के लोग या हैदराबाद के लोग या कराची की बात की जाए, ये भी सिंध है, सिंध का हिस्सा है,
इंटीरियर सीन की सिर्फ इसलिए बात की कि मैंने क्योंकि पर्सनली देखा है, कराची में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एकेडमीज हैं और अच्छे तरीके से वो गाइड कर रही हैं, लेकिन इंटीरियर की बात क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम इंटीरियर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो क्योंकि इंटीरियर में अगर कोई एकेडमी नहीं भी होती, हम देखते हैं कि इंटीरियर सीन से बहुत अच्छी तादाद में बच्चा पास होता है, तो वो लोग होते हैं जो कि खुद मेहनत करते हैं और बगैर एकेडमीज के भी पास करते हैं, तो ये एक तरह से मिथ है कि आप एकेडमी जाएंगे तो आपका सीएसएस क्लियर होगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी मेहनत करें, आप इंटरनेट, अभी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, अब यूट्यूब चैनल्स पे मेंटर्स ट्रेन करते हैं बच्चों को, तो अभी जो है वो बहुत जराए आ गए हैं। ओके, तो आप क्या समझते हैं जो एकेडमीज काम कर रही हैं वो सही तरीके से गाइड कर रही हैं स्टूडेंट्स को, या उनके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी हम देखते हैं कि एक ट्रेंड आ गया है कि एकेडमीज बहुत ज़्यादा तादाद में खुल रही हैं, लेकिन कुछ एकेडमीज हैं बिल्कुल जो कि अच्छी स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं और सपोर्ट भी उनको करती हैं, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें, उनको क्लासेस फैकल्टी है बहुत अच्छी अवेलेबल है, तो कुछ अकेडमीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ अकेडमीज जो है वो क्योंकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सही, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती हैं सीएसएस के दौरान या किसी और फील्ड में, ज़्यादातर सीएसएस में देखा गया है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो टैलेंटेड होती हैं, जैसे बलिया लेसर और हमारे पास एक और शानजा फाइक है, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है, तो क्या सबब है कि लड़कियां ज़्यादा कम्पीट कर जाती हैं और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में वो पास कर लेती हैं, लड़के नहीं होते, इसकी क्या रीज़न है? आई थिंक के स्पेशली लड़कियों के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, ये से आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जनरल देखें ना तो लड़कियां थोड़ी सी सीरियस होती हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बात, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट, और थोड़ी सी वो हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती हैं, तो आई थिंक ये फैक्टर होगा बिल्कुल कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा कम्पीट कर रही हैं। सेकेंडली, अभी हमारे पास आपने देखा है कि हमारा जो सोसाइटी है ना वो इस तरह से कि हम हर फील्ड के लिए वी आर नॉट ओपन फॉर गर्ल्स, राइट, ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जो बहुत अच्छी कंसिडर की जाती हैं, एंड सिविल सर्विस इज वन ऑफ देम, ठीक है, तो इसलिए भी रुझान बढ़ रहा है और लड़कियां ज्यादा आ रही हैं, लेकिन आई थिंक अभी और लड़कियों को आना चाहिए। और अब तो माशाल्लाह रुझान बढ़ गया, जैसे हमने पहले भी कहा कि सीएसएस की तरफ बहुत ज्यादा रुझान बढ़ रहा है, बिल्कुल जी, प्लीज कंटिन्यू। तो और भी आना चाहिए, अभी हमारे पास लड़कियां हैं लेकिन कम है, तो हर डिपार्टमेंट में अभी हम ऐसा ऐसा देख रहे हैं कि पुलिस में भी लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी, तो बाकी सर्विसेज में भी वो आना चाहिए, उनको आ रही हैं, और इसलिए वुमेन कोटा भी हमारे पास है 10% का, ताकि एटलीस्ट 10% जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो फीमेल्स की। ओके, तारिक साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि ये एक देखा गया, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार सीएसएस के दौरान कॉन्सेप्चुअल स्टडी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं रटिफिकेशन, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ज़्यादा बेहतर कौन सी चीज़ है और रियलिटी क्या है, रटिफिकेशन है या कॉन्सेप्चुअल स्टडी है? देखिए, आजकल जिस तरह के सीएसएस के पेपर्स आ रहे हैं तो उसमें जो आप कम्प्लीटली रट्टे के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको रट्टा लगाना पड़ता है, जैसे अगर आप आर्टिकल्स वगैरह याद करें आईन के, तो वो आपको उसमें रट्टा काम आता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी स्ट्रेटजी यही है कि जी मैं हर चीज़ को याद करके चला जाऊं, तो वो थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीका स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि एनालिटिकल स्किल्स अपनी डेवलप करें। सही, दोनों तरफ अगर कोई ओपिनियन है कि उसको दोनों तरफ के व्यूज़ को जज करें और उसकी बेस के ऊपर, तो ये एनालिटिकल स्किल्स मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी हैं अभी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत ज़रूरी है, और रट्टे पे अभी थोड़ा रिलाय करना कम कर दें क्योंकि सीएसएस के एग्जाम अब चेंज हो रहे हैं। नहीं तो क्या इसको हम 50-50 रेशो दे सकते हैं कॉन्सेप्चुअल और रटिफिकेशन? नहीं, मैं कहूँगा कि 90% और 10% का रेशो, 90% आपकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है और 10% रट्टा है। 10 बिल्कुल जो छोटी छोटी फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फैक्ट्स याद करने, डेट्स याद करनी है, आर्टिकल्स याद करने, उसके लिए आप 10% के लिए रट्टे पर रिलाय करें, बाकी आपने फुल कॉन्सेप्चुअल स्टडी अभी आपको करनी है। ग्रेट अवेयरनेस। अच्छा मैम, आप बताएं कि स्कोरिंग, सब्जेक्ट स्कोरिंग क्या है, मिथ है रियलिटी है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा मायूस होते हैं इस बात को लेके, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होता है। जी प्लीज। देखें, सब्जेक्ट स्कोरिंग मैं ये कहूंगी कि मिथ होता है। हमारे पास होता क्या है, बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि जनरल हैं, जिनको कंसिडर किया जाता है कि ये इजी है, इसमें सब लोग जो है वो आंसर कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है, ठीक है, तो जब इस तरह के दो चार सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाते हैं तो एक ट्रेंड
पड़ता है कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें मसला फिर ये होता है कि जब बहुत सारे ये लोग सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं तो फिर एक ये भी उनके जहन में होता है कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, सही। तो वो उसमें इतना ज्यादा अपना इनपुट नहीं देते, इतनी मेहनत नहीं करते। और अगर उस सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी नहीं की होती, ये सोचिए कि ये सब्जेक्ट तो बहुत आसान है। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाए, मुझे एक बात याद आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। चलें मैम, ब्रेक का टाइम होता है, उसके बाद में हम गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं। नाज़रीन, हाणे वक़्तु थियो आहे हिकु नंढे कमर्शियल ब्रेक जो, सो वञो न केॾांहुं, रहिजो असां सां गॾु, मिलूं था हिन नंढे ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक हिस्से का पोया हमारी खिदमत में हाजिर आयो। दोस्तों, अज असो टॉपिक है सी एस एस जहाँ बुनियादी सवाल कड़ा है, सी एस एस के दौरान शागिर्दन के केदा वन घुर्ज, इन टॉपिक से गाल रहा हूँ। खास मेहमान अस मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे बात कर रहा था स्कोरिंग पे, वो तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। एक और जो कि मेजर मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं, बहुत मायूस होते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे में फेल हो जाते हैं, इसकी रीज़न क्या है और इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? मेन रीज़न ऐसे में फेल होने की आई थिंक ये है कि लोगों को ऐसे लिखना नहीं आता और वो सीखना भी नहीं चाहते। ओके, ठीक है। जो आपका कैंडिडेट है ना सी एस एस के लिए जा रहा है, आपको जो सी एस एस में ऐसे लिखना होता है वो होता है अराउंड 3000 वर्ड्स का, ठीक है। जनरली जो हमने एसेज लिखे होते हैं वो थोड़ी शॉर्टर लेंथ के होते हैं इन आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, उसकी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होती है, उसका एक प्रॉपर बॉडी होती है, उसको आपने प्रॉपरली कंक्लूड करना होता है, आपने उसकी एक प्रॉपर आउटलाइन बनानी होती है जिसमें आपने अपने मेजर सारे जितनी चीजें डिस्कस करनी है वो लिखनी है। जनरली जो फेल होने का रीजन है वो ये है कि स्टूडेंट उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, उसको सीखते नहीं है और उसकी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा आई थिंक मसला है। तो आप क्या पैगाम देंगी उन स्टूडेंट्स को जो ऐसे में फेल होते हैं और किस तरीके से इम्प्रूव करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिखने से पहले आपकी रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप अच्छे ऐसे राइटर्स को पढ़ें, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें। आप देखें कि एक जो भी ऐसे है जो करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक पे लिखा जाना है या किसी सोशल टॉपिक पे लिखा जाना है उसको आपने शुरू कैसे करना है, ठीक है। उसको आपने डेवलप कैसे करना है, ठीक है। तो पहले उसकी रीडिंग करें, उसके बाद आप थोड़ी सी रिसर्च करें टॉपिक के बारे में, उसके बाद लिखना शुरू करें, सही। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टॉपिक लेते हैं और ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते और बस लिखना शुरू कर देते हैं, वो जहां भी पहुंचे ऐसे, सही। और फिर कहते हैं कि हम फेल क्यों गए। तो ये एक आई थिंक रीजन है कि ऐसे को सीखना पड़ता है कि एक अच्छे तरीके से गो थ्रू करना चाहिए और इसके राइटिंग प्लस रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। जी प्लीज, उनको ऐसे अगर लिखना नहीं आता ना तो वो ऐसे लिखते रहते हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप उससे एक स्टेप नीचे आ जाएं, आप पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आप अपने पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि ऐसे इज अ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ लिखने आ जाएंगे और आप फिर आपको ऐसे लिखने में आसानी होगी। तो मैं कहता हूँ अगर ऐसे लिखना नहीं आता तो आप पैराग्राफ राइटिंग के आपका मकसद है पहले से ही हमें ऐसे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर थोड़े से वीक हम कहते हैं कि हम वीक हैं तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस मजबूत करनी चाहिए, उसके बाद ऐसे की तरफ आना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मैम आपकी तरफ आऊंगा, सी एस एस स्मार्ट स्टडी और डीप स्टडी? बोथ, दोनों है, स्मार्ट भी है डीप भी है। लेकिन लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है, कुछ स्मार्ट होते हैं कुछ डीपली स्टडी कर रहे होते हैं। देखिए, तो मेरे ख्याल में इसके लिए डीप स्टडी तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन उस डीप स्टडी में आपने टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं ये आपको स्मार्टली प्लान डिवाइस करना, ठीक है। तो क्योंकि आप हर टॉपिक डीप में जाके नहीं पढ़ सकते, सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टाइम बहुत कम और मुकाबला बहुत सख्त होता है, तो स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए। लेकिन क्या कहती है कि किसी बंदे का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता, वो खुद ही स्मार्ट नहीं होता, तो मेंटर की हेल्प लेना बहुत लाजमी है। इससे आपकी जो है इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाती है, ठीक है। अगर आपके पास मेंटोर है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपने बेसिकली जाना कहाँ है, वो आपको रास्ता दिखा देता है, है। चलना आपने खुद ही है, बिल्कुल सही बात है, एक पाथवे बताते हैं और चलना हमने खुद ही है, चलना हमने खुद ही है। तो बेसिकली जो लोग कामयाब नहीं हो रहे होते वो खुद ही बगैर जाने बूझे इधर उधर रास्तों पे चल रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता जाना कहाँ है। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन वो मेहनत गलत डायरेक्शन में,
गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, तो बिल्कुल सही बात की आपने। तो अगर आपके पास कोई मेंटोर है, कोई सीनियर है, कोई ऐसा दोस्त है जिसने क्वालिफाई किया है सही, या जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं तो जरूर लें। सही, गाइडेंस लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। तारिक साहब, ये भी देखा गया है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं और वो पास हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स वो बड़ी हाई फाई अकेडमीज में एडमिशन लिया हुआ होता है, मेंटोर से सारी गाइडेंस ले रहे होते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? घर बैठा पास हो जाता है अकेडमी जाने वाला और बड़ा, जैसे मैम ने अभी बात की, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन फेल जाते हैं, क्या वजह है? जैसे मैडम ने बोला कि मेंटोर और एकेडमीज का काम है आपको डायरेक्शन देना, आपने चलना उसके ऊपर आपने खुद है। बिल्कुल सही बात तो है। ये वही बात है कि आपने जो है वो डायरेक्टेड स्टडी करनी है, मेहनत करनी है। और ऐसा भी होता है कि अक्सर बच्चे जो है वो सही भी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ कोई एक आध जगह पे वो कोई मिस्टेक कर देते हैं, उनसे सीएसएस फेल हो जाता है। तो ये कहीं कहीं आपकी जो है वो लक भी यहाँ पे मैटर करती है। मैम, आपने भी देखा होगा कि इंटीरियर में, जैसे गांव देहात में, ज़रूरी नहीं है कि सीएसएस कोई एक शहर से ताल्लुक़ रखने वाला करता हो, गांव देहात से भी बहुत छोटे छोटे देहात से करते हैं, गांव से करते हैं, तो वो गांव में बैठ के लालटीन जला के बेचारे लाइटों पे गुजारा कर रहे, सीएसएस क्लियर हो जाता है, और यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद नहीं होते। आपकी नज़र में ये क्या है, क्या फ़र्क है इस चीज़ में? देखें, सबसे पहली चीज तो डेडिकेशन, आप कितना सीरियस हैं अपने गोल को परसू करने में। बिल्कुल ठीक है। जो सिटीज के कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके लिए एक इशू ये भी होता है कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है। ठीक है, आपने सोशलाइज भी करना है, आपने दोस्तों से भी मिलना है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास इंटरनेट भी है, आपने वो सारा कुछ भी यूज करना है। बिल्कुल सही। तो जो छोटे एरिया से लोग आ रहे होते हैं उनका फोकस एक जगह पे होता है, मे बी ये रीजन हो सकता है कि वो ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में डेडिकेशन, आपकी सीरियसनेस और आप कितनी हद तक जो है अपने गोल को फॉलो के साथ ऑनेस्ट हैं और कितने डिटरमाइंड हैं। राइट। तारिक साहब, सीएसएस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिलेबस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, नोट्स रेफर कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे होते हैं, नोवा के नोट्स हैं और दूसरे भी नोट्स हैं आपके पास, तो नोट्स रेफर करना उनकी सही अप्रोच है या मेंटोर की गाइडेंस में रहते हुए किसी भी कोर्स को आगे लेकर चलना सही होता है? देखिए, यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप हर चीज़ को थॉरली स्टडी नहीं कर सकते और अपने नोट्स नहीं बना सकते, फिर मैं ये बोलूँगा कि आप नोट्स रेफर करें और जितना भी हो सकता है पढ़ें और एग्जाम दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, लेट से आपके पास एक पूरा साल है, तो मैं ये मेरी सजेशन ये होती है कि आप खुद स्टडी करें और खुद नोट्स बनाएं अपने नोट्स, क्योंकि जो नोट्स आप खुद बनाते हो वो कोई और नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात है। हर इंसान यूनिक है और उसका अपना पर्सपेक्टिव। लेकिन तारिक साहब, इनिशियली तो हम अपने नोट्स नहीं ना बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी नई चीज को सीखने जा रहा हूँ तो मुझे गाइडेंस की जरूरत होगी, तो गाइडेंस लेने के लिए उस मेंटोर के पास जाना चाहिए, उसके तर्ज को मैंने अपनाना चाहिए या अपने तरीके से मेहनत करनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली वो तो एक अंडरस्टूड बात है कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप साथ साथ आपके पास मेंटोर की गाइडेंस भी होगी। सही। तो वो आप तो दोनों चीजें आप साथ लेके चलेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अक्सर लोग जो है वो रेडीमेड नोट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मैं इसको डिस्करेज करता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि जो दूसरे के नोट्स हैं वो उसने अपने हिसाब से बनाए हैं। सही। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, उसको आप भले चेक करवाएं किसी को या एवेलुएट करवाएं, उसकी बेस पे आप आंसर राइटिंग शुरू करें, उसको असेस करवाएं, लेकिन नोट्स अपने खुद बनाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूं कि नोट्स जो होते हैं ना एकेडमीज के, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। और सीएसएस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने वैसा नहीं लिखना जैसे सबने लिखा है। बिल्कुल सही। आपने बेहतर लिखना है। बेहतर लिखना है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सारे लोग एक ही नोट फॉलो कर लेंगे तो वो सब एक ही जैसा लिखेंगे, एक ही जैसा हो जाएगा। तो एक ही जैसा लिखने में शायद पास तो हो जाए लेकिन स्कोर इतना अच्छा ना हो कि एलोकेशन हो। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अपनी क्रिएशन करना ज्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू प्रेफरिंग द नोट्स। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेंटोर की किसी भी कैंडिडेट की सिलेक्शन में कितना हाथ होता है? हाथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपका मेंटोर आपको गाइड कर रहा है, आपको उसने सारा बताया है, एग्जाम के हवाले से समझाया, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प की है, तो ऑब्वियसली ही इज बिहाइंड योर सक्सेस। सही। तो मेंटोर की बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं समझता हूँ बहुत सारे सवालात भी उनके क्लियर हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। आप कैसे देखते हैं सर?
क्योंकि आपने तो रिसेंटली माशाल्लाह सीएसएस क्लियर किया, आपका तो न्यू एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपोजर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सीएसएस जो है वो एक लॉन्ग जर्नी है और आप नो डाउट इसको अकेले कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अकेले करना मुश्किल है। मेरे ख्याल में अगर आपको मेंटोर की गाइडेंस हो साथ में तो आपके लिए सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ। और मेंटोर की जो है वह इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट होती है। सही, बहुत सारी चीज़ें आप गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं वो आपको दोबारा लाइन पे ले तो मेंटोर जो है वो आपको एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर रखता है और आप अपनी जर्नी उसके ऊपर पूरी कर ले। तो मेंटोरशिप एक बहुत जरूरी है। मैं अगर किसी को स्टूडेंट को मेंटोर अगर मिल जाता है तो मैं बोलूंगा कि इससे अच्छी कोई बात नहीं। ओके जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं दो साल बेचारे लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, पहले साल भी पास नहीं हो जाते, हो सकते दूसरे साल भी वो फेल हो जाते हैं, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, तो उसके मोटिवेशन को कैसे बहाल किया जाए? देखें, मोटिवेशन तो आपको अपने अंदर से ढूंढनी पड़ेगी। सीएसएस में आप सही कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप दो साल भी पास नहीं कर पाते और फिर जब लास्ट अटेम्प्ट होती है तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है और फिर आप खुद भी डर रहे होते हैं कि जब दो दफ़ा में पास नहीं हुआ तो तीसरी दफ़ा में भी ना हुआ तो फिर मैं क्या। हाँ बिल्कुल सही बात। तो मेरे ख्याल में अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो लाइक आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पहले तो आपने रियलिस्टिकली अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आपने जो दो साल आप कामयाब नहीं हो सके उसकी रीजन क्या है। उन पॉइंट्स पे आपने काम करना है, ठीक है, और घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है, और पॉजिटिव रहना है और ये कोशिश करनी है कि अगर आप बहुत डिप्रेस हो रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप ब्रेक भी ले सकते हैं। सही, आप एंजॉय करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, वापस आ जाएं। ओके जी, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें आप यूथ के लिए? लास्ट में पैगाम ये देना चाहती हूँ कि सीएसएस बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा करियर है, और जितने लोग इसमें आना चाहते हैं जरूर आएं, लेकिन वो लोग जो कि आने की इन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं आ सके, कामयाब नहीं हो सके, तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा आपके पास करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। तारिक साहब, आपका क्या पैगाम होगा? मेरा पैगाम ये है कि डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सीएसएस करना चाहते हैं तो ये एक मैराथन है, ये एक दिन का गेम नहीं है, ये एक साल का गेम है। तो आपने अपनी रूटीन इस तरीके से बनानी है कि आप उसको डेली रिपीट कर सकें। आपको ये नहीं करें कि 10 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें, आप 2 घंटे 3 घंटे से शुरू करें और उसको रिपीट करते रहें और उसको फिर एक्सटेंड करें। तो डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन। मैम, आपके बड़ी मेहरबानी, आप आए सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। दादी नाम समझा तो अज जो जो प्रोग्राम सीएसएस से बदल हो, सीएसएस जो बुनियादी सवाल से बदल मां समझा तो अज तहज लाइ ढो लाभाय तो साबित थे वो हों। सो हमेशा मोटिवेटेड रहो और फ्यूचर प्लानिंग कह रहो। इन ही सगे मेज़बान इम्तियाज़ लगारे के ींदा इजाज़त अल्लाह ने कबा।